स्टार्टिंग मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो एग्रीकल्चर से तभी बनाम पाकिस्तानी इकॉनमी, यानी पाकिस्तान की इकॉनमी में एग्रीकल्चर का क्या असर है, और इसका अगर बेग और कमा सकते कि सबसे जरूरी एग्रीकल्चर जो फील्ड है इकॉनमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे हम आ जाते हैं, एग्रीकल्चर में ना दो वर्ड से बना हुआ है, एगर एगर में एग्रीकल्चर में कल्टिवेशन जो है ना वो एक्सपोर्ट में वैल्यू में कंट्रीब्यूशन करते हैं 65%। बैकग्राउंड से अगर हम आज पाकिस्तान के मिनट डिफरेंट एरियाज में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को डिवाइड किया हुआ है, सबसे मेजर क्रॉप्स बता दें कौन सी है। क्या सर? मेजर क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स वे शुगर केन, कॉटन, राइस। फर्स्ट वाली कौन सी बताइए? वीट। और अदर क्रॉप्स में क्या क्या आता है? अदर क्रॉप्स में होने का जैसे वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि सारे ये रहते हैं। ठीक है, और उसकी जीडीपी ग्रोथ क्या है? उसकी ना अदर चीज की सर, अदर 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 क्रॉप्स की जीडीपी 0.7%। ठीक है, और 1950 के बारे में थोड़ा सा बोलो। 1950 में पाकिस्तान जब बन गया तो सबसे पहले ना किसी ना कोई इंडस्ट्रीज वगैरह की डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुई थी, तो हमारी ज्यादातर तकरीबन 50% जो एक्सपोर्ट्स थे वेजेस था हमारा पश्चिम के कारण में ये एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर देता 53% थे। 70% के लेबर फोर्स में इन्होंने कंट्रीब्यूशन की एग्रीकल्चर में, और 80% शेयर थी एक्सपोर्ट में। 1990s का थोड़ा 1990s में ना पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर फील्ड है इतनी थोड़ा डिक्लाइन आ गया, क्योंकि इस टाइम में ना पाकिस्तान में वायरस अटैक हुआ था कटन, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आया था, जिसकी वजह से इकॉनमी पे भी असर हुआ था। दूसरी बात यह कि यहाँ पे पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। 2005 में ये फ्लड्स वगैरह और जलजला आया था, जिसकी वजह से ना इसके बहुत बुरा असर हुआ था। ठीक है, 2010 2010 की भी सर यही इसका फीस शेयर कह रहा था कि हमारे जो वेजेस थे हम सोच रहे थे कि हम 4.5 तक ही इसको इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये हुआ कि फ्लड्स वगैरह की वजह से इसमें डिक्लाइन आ गया। ठीक है, थैंक यू।